नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हैं एक नई रिक्वायरमेंट के साथ। और इस वीडियो में उस रिक्वायरमेंट से संबंधित संपूर्ण डिटेल से बात करेंगे, तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। और इस नोटिफिकेशन की जो पीडीएफ है आप हमारी टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप या फिर इसकी ऑफिशियल साइट से प्राप्त कर सकते हैं। तीनों की जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये जो वैकेंसी निकली वो तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा निकली है, और इसमें अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको डालना पड़ेगा, और ऑनलाइन एप्लीकेशन डालने की जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अलग अलग कैटेगरी की यहाँ पर 499 पोस्टें होने वाली हैं, और ये मुख्य रूप से बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट बेस की हैं। इसका ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है वो 16 जून से प्रारंभ हो चुका है, और लास्ट डेट की अपने बात करें तो ये लास्ट डेट रहेगी इसकी 19 जून 2020 को शाम को 5 बजे तक। आगे बात करें तो काफ़ी अलग अलग पोस्ट हैं इसमें, लेकिन अपने मुख्य रूप से बात करने वाले हैं स्टाफ नर्स की। यहाँ पर देख सकते हैं 3 नंबर की पोस्ट है असिस्टेंट डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की। इसके लिए अगर बात की जाए तो आपके पास बीएससी नर्सिंग या फिर जो जीएनएम का डिप्लोमा या जो डिग्री होती है वो की हुई होनी चाहिए, साथ में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और ये रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपका तेलंगाना स्टेट नर्सिंग काउंसिल के अंदर, और एक्सपीरियंस भी यहाँ पर 5 साल का मांगा गया, ये ज़रूरी है। उसके बाद पोस्टें हैं स्टाफ नर्स की। ये क्वालिफिकेशन की बात करें, आगे हम पोस्टों की संख्या की बात करेंगे। इसके लिए भी आपके पास बीएससी नर्सिंग या जीएनएम का कोर्स किया हुआ होना चाहिए, साथ में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए तेलंगाना स्टेट नर्सिंग काउंसिल के अंदर, और यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। आगे अब इसकी पोस्टों की संख्या की बात करें तो उससे पहले देख लेते हैं एज क्राइटेरिया। एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, जो मिनिमम एज है वो 18 और मैक्सिमम एज है वो 34 साल तक है तो अप्लाई कर पाएंगे आप लोग, लेकिन एज में छूट भी यहाँ पर दी जाएगी। एज की जो गणना है वो 1/7/2020 को आधार मान के की जाएगी। अगर एज रिलैक्सेशन की बात की जाए तो एससी एसटी के कैंडिडेट्स या जो बैकवर्ड क्लास के कैंडिडेट्स हैं उनको 5 साल की छूट मिलेगी अपर एज लिमिट में। फॉर एक्स सर्विस मैन या वोमेन जो भी हैं आर्म्ड फोर्स से, उनको 3 साल की छूट मिलने वाली है। जो निःशक्त जन हैं उनको 10 साल की छूट मिलेगी, और जो रिटायर्ड पर्सन हैं वो 65 साल की आयु तक हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इनकी पोस्टों की तो यहाँ पर पोस्टें आप लोग देख सकते हैं। असिस्टेंट डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट या हेड नर्स की टोटल 20 पोस्टें हैं। पर मंथ जो पेमेंट है वो 29,760 रुपये रहेगा। स्टाफ नर्स की काफ़ी ज़्यादा पोस्ट हैं, 246 पोस्ट हैं, इसके लिए 25,140 रुपये पर मंथ आपको पेमेंट मिलेगी। इसके अलावा डाइटिशियन की, बायोमेडिकल इंजीनियर की, फार्मेसी सुपरवाइज़र की आदि पोस्टें भी हैं। इस प्रकार टोटल 499 पोस्टें हैं, और इसका जो एप्लीकेशन है वो आपको ऑनलाइन डालना पड़ेगा, और ऑनलाइन इसकी ऑफिशियल साइट पर आप विजिट करके भर सकते हैं। उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ में आपको जो सॉफ्ट कॉपीज़ हैं वो भी वहाँ पर लगानी पड़ेंगी। इससे संबंधित आपकी कोई भी इशू है, कोई भी क्यूरी है तो इन कॉन्टैक्ट नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। 10:30 से 5 बजे तक आप इन पर भी संपर्क कर सकते हैं, कोई भी टेक्निकल दिक्कत आ रही है तो, या फिर यहाँ पर ईमेल सेंड कर सकते हैं, या आप इससे संबंधित हमें भी कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में केवल इतनी ही बात करेंगे। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।